विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के मतदान के लिए बुधवार को प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। भिलाई निवास में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पत्रकार वार्ता ली गई। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व महापौर नीता लोधी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रमुख घोषणाओं को विस्तार पूर्वक बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनते ही कांग्रेस की महत्वाकांक्षी छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना को लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत महिलाओं को हर साल 15,000 रुपए की एक मुश्त राशि उनके खातों में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गृहिणियों को स्वावलंबी बनाना है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना से महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ेगा। कांग्रेस की ही मंशा है कि हर गृहिणी को इस योजना का लाभ मिल सके। कांग्रेस पार्टी ने 2018 के बाद निरंतर महिलाओं के लिए काम किए, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, वादे से ज्यादा किया है। और हमारी संवेदनशील सरकार, कांग्रेस की सरकार और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी माताओं बहनों के हित को ध्यान में रखते हुए माताओं बहनों को उपहार स्वरूप दीपावली जैसे त्यौहार में अपने घर घर की लक्ष्मी को, माताओं बहनों को लक्ष्मी मानने वाली ये सरकार ने अपनी माताओं बहनों के लिए योजना का लॉन्च किया है। योजना दी और सरकार बनते ही 15,000 रुपये महिलाओं के खाते में मिलेंगे। इसके लिए फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं, लाइन लगने की आवश्यकता नहीं। आपने कहा वंदन योजना, वंदन योजना जैसी कोई योजना छत्तीसगढ़ सरकार में आज तक नहीं चालू हुई है, मैंने तो नाम नहीं सुना। और ये लोग फर्जी फॉर्म बंटवा रहे हैं और भरवा रहे हैं। मैं महिलाओं से ये अपील भी करना चाहूँगी कि ऐसे गुमनाम फॉर्म भराने वालों से सावधान रहें। और ये बताएं कि जिसमें महिलाओं का नाम ले रहे हैं, मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, और ये मोबाइल नंबर लिख के जो फॉर्म भरा रहे हैं वो कूड़ेदान में पाए जा रहे हैं, उसमें रख के समोसा खा रहे हैं। यदि कोई महिला असामाजिक तत्व को कागज मिलता है, मेरी महिलाओं का माताओं का मोबाइल नंबर चले जाता है, और उसके साथ अगर कोई किसी प्रकार की ऊंच नीच होती है उस नंबर को लेके, ये तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? भारतीय जनता पार्टी अपने जुमलेबाजों से और झूठे वादों से लोगों को गुमराह न करे। कांग्रेस पार्टी ना भाजपा जैसे राम के नाम पे वोट मांगती है, ना लोभ लुभाने वादे पे। कांग्रेस पार्टी काम करने पे विश्वास रखती है। आपने देखा होगा सारी माताएं बहनें तीजा के अवसर पर मुख्यमंत्री जी के निवास में जाकर तीजा पोला का त्यौहार मनाती थी। उसी के स्वरूप माताओं बहनों को भेंट स्वरूप देने के लिए लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी गृह योजना का शुरुआत हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया है। ओके, थैंक यू।